बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आमतौर पर तमाम जो बहुजन विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन पर ये आरोप लगता रहता है कि वो दलितों की जो ओबीसी हैं या फिर SC ST हैं, उन सभी की आवाज़ जो है वो नहीं उठाते। अगर उन पर अत्याचार होता है तो वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी पार्टी के निर्देश नहीं होते। किसी क्षेत्र में अगर किसी दलित के साथ अगर कभी कुछ हुआ तो होता ये है कि अगर बसपा के विधायक ने या फिर बसपा के किसी भी नेता ने आवाज़ उठा दी तो उसके खिलाफ BJP का ही दलित नेता खड़ा हो जाता है या उसकी आलोचना करने लगता है। अगर BJP ने आवाज़ उठाई तो बसपा के लोग आलोचना करने लगते हैं, और अगर ये दोनों अगर आवाज़ उठा रहे तो सपा के लोग उसमें अपनी आलोचना करने लगते हैं। होता ये है कि ऐसे में वो जो पीड़ित है, वो जो व्यक्ति है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो अगर वो दलित है, वो इस बिरादरी का है, SC ST इस वर्ग का है, दबे कुचले वर्ग का है, तो वो पीड़ित जो है वो यहाँ पर पीड़ित ही रह जाता है। उसके साथ ना तो ये लोग न्याय करते हैं और ना ही सत्ताधारी पार्टी न्याय करती है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये तमाम लोग एक सुर में उस व्यक्ति की सहायता करें या उस व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाएं। कुछ ऐसी ही पहल हुई चौरी चौरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और गोरखपुर का वो जो क्षेत्र है जहाँ से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आते हैं, वहाँ पर ये पहल हुई और ये कोशिश की गई। पहली बार एक मंच पर तमाम दलों के नेता, जो SC ST वर्ग के जो नेता हैं, वो इकट्ठे आए और उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब वो इस वर्ग की जो आवाज़ है वो उठाएंगे और अपनी पार्टी दलगत जो राजनीति है तो उसको भूलकर SC ST वर्ग के लिए आवाज़ बनेंगे। ये एक बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी पहल है, ऐसा सब जगह होना चाहिए। आप देखिए हमारे सहयोगी राम सिंह गौतम की ये रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, मैं इसमें गोरखपुर जनपद के ब्रह्मपुर ब्लॉक में हूँ, और यहाँ पे जो है संघर्षशील दलित महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय के ऊपर जो है सभी बड़ी पार्टियाँ जैसे बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता जो है इस पे बातचीत करेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि ये दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय को किस तरह से सहयोग करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इसमें वकील लोगों की जो टीम है वो लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर ये बातचीत करेंगे, और यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो है उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसमें सभी पार्टी के लोग सम्मिलित हुए, जो दलित समाज के लोग थे, सबका उद्देश्य एक ही है कि इस देश और प्रदेश के अंदर जो दलितों के ऊपर जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है उससे कैसे निपटा जाए। आए दिन कहीं न कहीं ऐसे अपराध हो रहे हैं जो अक्षम्य हैं, उसके लिए अलग अलग पार्टी के होने के बाद भी हम सभी लोगों ने यहाँ पर सम्मिलित होकर के दलित समाज के ऊपर जो आए दिन गोरखपुर जनपद में जुल्म जाति हो रही है उसके लिए एक बेहतर रणनीति बना करके आज योजना बनी है। और जब भी दलित समाज के ऊपर कभी भी कहीं भी उत्पीड़न होगा, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ हम सभी लोग मिलकर के जाति बंधन तोड़ करके उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनके हक अधिकार के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, ऐसा आज के कार्यक्रम में ये निर्णय लिया गया है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमेशा हमारी राजनीतिक कैरियर लगभग 28 साल हो गया, हम लोग लगातार शुरू से ही डॉक्टर अम्बेडकर वादी हैं और आगे भी हम चाहते हैं, हमारे जैसे हजारों लाखों लोग करोड़ों लोग चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानवर श्री कांसी राम जी का जो संघर्ष है वो जमीन पर उतरे, और सबसे ज़रूरी है कि सत्ता की मास्टर चाबी कैसे दलित वर्ग में आए ताकि उनकी बिगड़ी बन सके। कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता की कमी है, अपने लोग हर समस्या के मतलब समस्या पर उसका निदान नहीं करा पाते हैं। जबकि हम गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले, उनको बताया कि समस्या का निदान इस नाते होगा जब आप तहसील में जाएंगे, ब्लॉक पर जाएंगे, जबकि हमारा समाज ज़्यादातर मंदिर में पूजा में विलीन है, जो भी पहुंच जाता है हमारे समाज का, हम उसको बताते भी हैं कि चलिए हर कोई ना कोई समस्या तो उसका निदान निश्चित रूप से होगा,
तो हम इसके लिए लड़ते रहते हैं। मैम, इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे आप अपने लोगों को? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा कि हमारे नई बाजार में क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा पर विधानसभा में और हमारे बागी भाई ने किया, और अच्छा लगा कि एक समाज को जोड़ने का जो बाबा साहब का मंत्र था संगठित बनने का, उन्होंने स्टार्ट किया, जो कि हर पार्टी, इसमें भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, सारी पार्टी के जो दलित नेता हैं वो अपने समाज के लिए आए। सबसे पहले तो उन लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम लोग संगठित होने का प्रयास किए हैं, और अपने हमारे मीडिया भाई जो करते हैं, हम लोग अक्सर आवाज़, जैसे अभी यहाँ बोहाबार वाली आवाज़ थी, FIR तक नहीं हो रहा था, और एक बार जाके जब हम लोग बैठे CEO साहब, FIR भी हुआ, लेकिन दो गिरफ्तारी हुई, चौथी तीसरी की नहीं हुई, जो कि होना चाहिए था। CEO ने समय भी मांगा, यशो ने भी मांगा, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो जिस तरह से हमारे लोग नहीं जान पाते हैं कि हमें कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, अगर SC ST लग भी गई तो हमारे जो समाज के जो एडवोकेट हैं, उन भाइयों से हमारा रिक्वेस्ट है कि उनको बताएं कि इसकी जांच में CEO से क्या लगवाएं, धाराएं तय करें, क्योंकि जो भी धाराएं तय हो तो हो जाती है, लेकिन हमारा समाज समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो फंसा हुआ मुकदमा के ही तरफ रहता है, और बार बार कोर्ट कचहरी का करने से वो बेचारा अपंग सा हो जाता है, न्याय भी नहीं मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम है यहाँ, अच्छा लगा कि वो लोग मिल के उनके लिए भी लड़ाई लड़े, जहाँ तक सहयोग होगा हम हमेशा साथ दें। मैं अपनी बात बताऊँ, 2009 से मैं पेशे में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 2009 से पेशे में आने के बाद मैं लगातार, चाहे कोई मेरा दलित भाई मुझे जानता हो या ना जानता हो, लेकिन मैं अगर जानता हूँ कि वो अनुसूचित समाज का है, तो उसकी जो भी समस्याएं होती है, निस्वार्थ उसका प्रयास किया जाता है कि उसकी मदद की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां अभी भी हमारे लोगों में है, क्योंकि वो अपनी बात बताने से कतराते हैं और अपने लोगों के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। बाबा साहब ने भी ये बात कही थी कि आपको संगठित होने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ी बात जो थी, शिक्षा की बात उन्होंने कही थी, उन्होंने इकट्ठे होने की जो बात कही थी, वो बात किसी ने नहीं मानी, और यही कारण है कि आज इस वर्ग के ऊपर लगातार जो दूसरे लोग हैं, जो सवर्ण हैं, वो अत्याचार करते रहते हैं, और इसी की आवश्यकता महसूस की गई, और लंबे समय से ये कहा जाता रहा है कि ये लोग एक जगह अगर आ जाएं, एक साथ अगर आ जाए, तमाम पार्टियों के जो दलित नेता है, अगर वो एक जगह पर आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से बदलाव संभव है। और ये तब देखने में आया था जब 2 अप्रैल को SC ST Act के जो खिलाफ सरकार ने जो निर्णय लिए थे, जो बदलाव उसमें किए थे, उसके खिलाफ जब तमाम लोग अपनी पार्टी की विचारधारा छोड़कर या अपनी पार्टी की जो लाइन है, गाइडलाइन है, उससे अलग हटकर जब तमाम लोग इकट्ठे होकर जब सामने आए, तो वो परिणाम नज़र आए थे। कुछ ऐसा ही परिणाम हम देख सकते हैं अगर तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं और अपनी पार्टी की गाइडलाइन को एक तरफ रखें, और जो सामाजिक दायित्व है उसको अगर वो समझें, तो निश्चित रूप से तमाम जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सकती है, उनके न्याय की आवाज़ उठाई जा सकती है।